हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मेरा सवेरे से रात तक का रूटीन। पूरा तो नहीं बताई हूँ, मतलब पूरा क्या क्या काम करती हूँ किसके बाद वैसे नहीं है, पर पूरा दिन का मेरा खाना पीना बनाने का थोड़ा बहुत मैं दिखाई हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सवेरे सवेरे मैं बना रही हूँ आलू गुंडा, और बहुत अच्छा लगता है बनाना, इजी भी है, बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं पर इजी है, और ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं लगता है। जो भी सामान लगता है घर में अवेलेबल होता है हमेशा, तो बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, तो गर्म गर्म इसको खाने में अच्छा लगता है। तो वही बस बना रही हूँ मैं आलू गुंडा, और बस ख़त्म ही होने वाला है। तो अभी दक्ष के पापा भी बस अपना नाश्ता खत्म कर रहे हैं। कच्चा बादाम आ बैठो। और ये हो गया है शाम का टाइम, तो मतलब शाम होने को आया था, दक्कू सो के उठ गया था दोपहर को। बाहर बारिश हो रहा है बहुत जोरदार, तो थोड़ा सा साउंड भी आ सकता है, तो उसको इग्नोर करिएगा आप सब। तो दक्ष अभी चला गया है अपने दादी के साथ घूमने के लिए, क्योंकि वो मतलब डेली वो शाम को जाता है घूमने के लिए। ऐसे जैसे दोपहर को सोकर उठेगा और उसके बाद उसको मैं जो भी उसका खाना पीना रहता है खा लेता है, पेट भरने के बाद उसको मैं तैयार कर देती हूँ, कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ, कंघी करके। पाउडर तो वो लगाता नहीं है, पर लगाने का कोशिश करती हूँ, कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है, और ऐसे ही चला जाता है। तो प्रिंस और प्रतीक के साथ थोड़ा सा खेलने के बाद वो गया घूमने के लिए बाहर दादी के साथ, और फिर जब वो माँ के साथ घूमने चला जाता है तो उस टाइम में मैं अपना सब काम कर लेती हूँ, जैसे कि थोड़ा पानी वानी पी के फिर फ्रेश हो जाती हूँ, और उसके बाद फिर हाथ मुंह धो के कंघी करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना कमरा साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सवेरे जब सोकर मैं उठती हूँ तो दक्कू सोए रहता है और उसके पापा भी दक्कू के पास ही रहते हैं, दक्कू के पास ही बैठे रहते हैं, तो इसलिए मैं बेड साफ नहीं कर पाती। और उसके बाद तो फिर नाश्ता बनाना, फिर लंच बनाना, उसमें फिर लेट हो जाता है, टिफिन रेडी करना, फिर नहाना धोना, बहुत सारा काम रहता है। तो सीधा मैं शाम को जब दक्कू सोकर उठता है और घूमने जाता है तभी साफ करती हूँ। दिन भर का पूरा पड़ा रहता है कचरा, जैसे जो भी ओढ़े रहते हैं उसको, और दक्ष जितना भी गर्मी हो या ठंडा हो, बारिश हो, जो भी हो, वो चादर ओढ़ के ही सोता है, और उसका चादर, दो चादर है उसके पास सेपरेट अलग से, और उसी को ही ओढ़ के वो सोता है, और दूसरा कुछ वो ओढ़ता नहीं है, तो उसको वो चाहिए ही चाहिए जैसे भी करके। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना रूम साफ करना, तो चलिए फिर फटाफट मैं अपना रूम साफ कर लेती हूँ। दक्कू ऐसे ही सब चीज़ को फेंक के रखे रहता है। और ये जो साड़ी मैं चपेट रही हूँ ग्रे कलर का, ये मैं पिछले साल दिवाली में खरीदी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी, लाइट कलर है पर अच्छा दिखता है। और एक बार दक्कू ऐसे रेडी होकर बाहर जाता है तो एक डेढ़ घंटा फिर घूमते हैं बाहर और फिर आते हैं घर, या फिर कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, तो इसके उसके दोस्त लोग अगर साथ में आएंगे तभी आता है जल्दी से, और घर में रहकर फिर घर में ही खेलता है हॉल में। पर आज थोड़ा ज़्यादा टाइम तक घूम रहा है बाहर, तो टाइम हो गया मुझे ये सब करने का। तो अभी मैं ये सब काम कर लूँगी, घर रूम साफ कर लूँगी, उसके बाद जब वो आएगा तो फिर से उसको खिलाना पिलाना रहता है, और उस टाइम में हम आ जाते हैं ऊपर दिया करने के लिए, दिया जलाने के लिए। तो अभी मैं बस ख़त्म कर रही हूँ, अपना रूम साफ हो गया है, और थोड़ा सा पोछा भी लगा देती हूँ, झाड़ू करके थोड़ा पोछा लगा दी हूँ, और अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। अभी तक दक्कू आया नहीं है घर।
सब्जी को भी काट कर रख देती हूँ। और उसके बाद दक्ष जब आ जाता है तो हमारे साथ थोड़ा बहुत वो कुछ खा भी लेता है। यहाँ पर मैं सब्जी भी निकाल कर रखी हूँ और बस उसको काटूंगी और काट कर रख दूंगी। उसके बाद नाश्ता करेंगे थोड़ा सा कुछ, और उसके बाद जाकर मैं बनाऊंगी सब्जी। और एक साइड में मैं सब्जी को बैठा देती हूँ और दूसरे चूल्हे पर मैं रोटी पराठा जो भी बनाना रहता है उसको बनाती हूँ। तो फ्रिज में कुछ दिन, मतलब एक दो दिन हो गया, एक लस्सी पड़ा था तो मैं उसको पी ले रही हूँ, क्योंकि माँ भी आए नहीं है। और आने के बाद फिर दक्कू को थोड़ा सा कुछ खिलाने के बाद फिर हम लोग आराम से खाएंगे। और अभी मैं काट ली हूँ पूरा सब्जी को, मैं बैठाई हूँ सब्जी को। दोनों भाई तो पराठा खाते हैं, मैं थोड़ा सा चावल बनाती हूँ अपने लिए। माँ और बाबा सूखा रोटी खाते हैं, माँ सूखा रोटी खाते हैं और बाबा का जो रोटी रहता है उसमें थोड़ा सा हम लोग घी लगा देते हैं और तो वो खाते हैं उसको। तो दक्कू अभी आ गया है घर, और जो मैं लस्सी पी थी तो उसको देख लिया, वो तो थोड़ा सा पीऊंगा बोल रहा था, तो थोड़ा सा ही जस्ट बचा था तो उसको दे दी हूँ, पर वो पीता नहीं है, बस मुंह में ऐसे भरेगा और उसको फिर छोड़ देता है। नहीं पी मैं पीछे बैठ बेटा, ऐसा लस्सी नहीं पी रहा सकाल वाले, बोले नहीं पसंद बोल रहा। बिट्टू कहाँ जा रहे हो बिट्टू? ऐसे शर्ट का बटन खोल के कहाँ जा रहे हो बिट्टू? बनियान पहन के चलो। तो खाना पीना तो बन गया है और अभी ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है। तो दक्कू के पापा घर आ गए हैं और थोड़ा सा हम लोग का मार्केट में काम था, तो दक्कू को भी लेकर जा रहे हैं और वो घूम भी लेगा और हम लोग का भी थोड़ा काम जो है वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, पर आज के लिए, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। और अगर आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आज का ब्लॉग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।